In second year chemistry, chapter 4, p-block elements. In the last class, we discussed about the industrial preparation of chlorine gas by Nelson cell. तो पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि नेल्सन सेल से क्लोरीन गैस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्लोरीन गैस की. ठीक है, डिटेल में डिस्कस करता हूँ, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन गैस की. ठीक है, तो क्लोरीन गैस की फिजिकली प्रॉपर्टीज़ हमारा देख कर, चक कर, सूंघ कर जो प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहली बात तो क्लोरीन जो है वो ग्रीन कलर की गैस है, ग्रीन कलर्ड गैस है, हरे रंग की. मैंने बताया था ना क्लोरोस ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब होता है ग्रीन. तो क्लोरीन गैस एक्चुअल में ये ग्रीन कलर की गैस है, और इसकी स्मेल कैसे होती है, पंजेंट स्मेल होती है. पंजेंट मतलब चुभने वाली स्मेल होती है. और इस क्लोरीन की स्मेल को आपने कहाँ सूंघा होगा, उसको आपने सूंघा होगा लाइम के पानी में. लाइन का पानी जब आ रहा होता है ना, गवर्नमेंट लाइन्स के जब पानी आ रहा होता है तो उसके अंदर से एक स्मेल होती है जिसको नॉर्मली लोग मीठे पानी की स्मेल भी कहते हैं, एक अलग सी स्मेल होती है. तो और उसको एजुकेटेड लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन स्मेल, क्योंकि क्लोरीन ऐड किया जाता है ना पानी के अंदर जर्जिस्म को मारने के लिए, तो उसकी स्मेल आ रही होती है. तो वही जो स्मेल है ना, पंजेंट सी स्मेल होती है, चुपती सी स्मेल होती है वो. ठीक है, शार्प सी, वो ऑर्डर जो है वो पंजेंट स्मेल कहलाती है. ठीक है, तो पंजेंट स्मेल इसकी है. टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीली होती है ये. ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर आप उसको सूंघ लें तो इंसान बेहोश हो सकता है. ठीक है, या इरिटेशन प्रोड्यूस करती है गले में. तो ये ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार के अंदर ये चीज़ टॉक्सिक है. कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़े मिकदार में अगर ले ली जाए तो वो टॉक्सिसिटी है, लेकिन थोड़े से मिकदार में अगर यूज़ किया जाए उसको तो फिर ये जर्सिम को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उसको. इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 3.0. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बड़े काम आएगी. 3.0 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है. 3.0 फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है. ठीक है, एंड इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होती है. मतलब ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है, +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, और +7 भी होती है. तो ये सारी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी मौजूद है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से, किस किस कंपाउंड के अंदर ये इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये आती है. जैसे एक हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर HCl में H+1 होगी और Cl -1, तो -1 एक पहली वाली आपको दिख गई. उसके बाद हमारे पास कुछ है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन से मुराद क्लोरीन के वो एसिड जिनमें ऑक्सीजन आता हो. दे आर कॉल्ड द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, जो लाइन से मैंने चार लिखे हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड, एंड दिस इज परक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ये चार तरह के एसिड्स हैं. चारों जो है वो आपके ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं. ठीक है, क्लोरीन के. तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें क्लोरीन के, देखो ये -2 हो गया और ये +1 हो गया. तो कितना हुआ -2 + 1, -1 हुआ. तो इस क्लोरीन को कितना होना पड़ेगा, +1. तो +1 आ गया. ऑक्सीडेशन में निकाल कर नहीं दिखा रहा कंप्लीटली, वो आप समझ सकते हैं कैसे निकलेगा. हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, -4 + 1 -3. तो क्लोरीन कितना निकल गया, +3. तो +3 भी आ गई. नेक्स्ट हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन एक का -2, तीन का -6. तो -6 + 1 -5, क्लोरीन का +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई. हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन एक का -2, चार का -8, -8 + 1 -7, क्लोरीन क्या हो गया, +7 भी आ गई. तो ये क्लोरीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट करता है. तो वो मैंने आपको बताया, तो एक चीज़ होती है वैलेंसी और एक चीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है. तो क्लोरीन की वैलेंसी हमेशा क्या होगी, -1, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकती है. तो -1 + 1 + 3 + 5 + 7 सारे हो सकती हैं. इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होते हैं ऑक्सी एसिड्स में वो कौन सा होता है, HClO4, परक्लोरिक एसिड. इस परक्लोरिक एसिड के बारे में है कि ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को ये डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कोरोसिव ये एक एसिड है, कि अगर आप अपने हाथ अगर आप इस एसिड के अंदर अगर आप डाल के निकालोगे ना तो आपके सारे गोश्त जो है वो गल जाएंगे, सिर्फ हड्डी बच जाएगा सिर्फ एक बार डाल कर निकालने पर, क्योंकि ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को बहुत तेज़ी के साथ कोरोड करता है ये. ठीक है, नॉर्मल जो किलर्स वगैरह होते हैं, मर्डरर्स होते हैं ना, जब उनको बिल्कुल लाश कर नामो निशान सिरे से फ़ौरन से मिटाना होता है, तो वो जो है वो लाश को जो है वो इसके ऐसी एसिड पर डाल लेते हैं ड्रम के अंदर. तो उससे क्या होता है, वो पूरी मतलब बॉडी गायब हो जाती है उसके अंदर, डिसॉल्व हो जाती है पूरी.
तो ये परक्लोरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ऐसा हुआ है टीवी वगैरह में अगर आप देखें तो, कि अगर कोई सीरियल किलर्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादातर वो ये काम करते हैं, सीरियल किलर मतलब जो बहुत सर्किलिंग एक साथ करते हैं। यस सो केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा समझ में आ गई बात ये सारी, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, तो एक प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखें जस्ट, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं भाई, जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, दोनों हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये कब होता है कि जब हम क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। दीजिए आपने Cl2 लिया, क्लोरीन लिया, क्लोरीन का वाटर से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो आपने Cl2 लिया और उसका वाटर से रिएक्शन करा दिया, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन वाटर, यही चीज क्लोरीन वाटर कहलाता है। और इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं क्या, ब्लीच। तो ब्लीच जिसको हम कहते हैं, तो ब्लीच का काम क्या होता है भाई, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ब्लीच का क्या काम होता है। तो अब इस रिएक्शन को मैं करता हूँ, Cl2 है ना, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, ClCl और वाटर कैसे ब्रेक होता है, HOH, ठीक है। हाँ भाई, ये क्लोरीन है तो 0-0 हो गई, क्लोरीन इसकी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये एक Cl एक H के साथ मिल गया और एक Cl एक OH के साथ मिल गया, ठीक है। तो क्या बना, एक बना HCl और एक क्या बना, HOCl, एक बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बना हाइपोक्लोरस एसिड, HCl और HOCl ऐसे बना। तो HCl में देख लो कि H+1 और Cl-1, और यहाँ पर ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर HOCl या HClO की बात करूँ तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जो हमारे पास बना, यहाँ पर क्लोरीन +1, तो एक क्लोरीन 0 से +1 में गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, सॉरी यस ऑक्सीडाइज हो गया, और एक 0 से -1 में गया मतलब रिड्यूस हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की, अब यह ब्लीचिंग एक्शन में बताता हूँ कि जब क्लोरीन को पानी में डाला जाता है तो यह ब्लीच बन जाता है। अब ब्लीच क्या चीज़ होती है, ब्लीच हर वो चीज़ जो कलर रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कलर, हर वो चीज़ जो कलर रिमूव कर सके, चाहे वो स्किन के, चाहे वो कलर रिमूव करे हेयर्स में से, चाहे वो फैब्रिक में से कलर रिमूव कर दे, उसको हम लोग ब्लीच कहते हैं। तो HOCl, अच्छा जब ब्लीच के अंदर ही HOCl जो है ना वो नॉर्मली ब्लीच का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये HOCl जो होता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, फौरन से ये ब्रेक हो जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में, HCl अलग हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जैसे नेसेंट हाइड्रोजन होता है वैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है, हाईली रिएक्टिव हो गई है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है कि पिगमेंट का फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड बना होता है ना, पिगमेंट का फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड को तोड़ देता है। और जाहिर सी बात है जब पिगमेंट का बॉन्ड फैब्रिक के साथ टूट जाएगा तो क्या होगा, पिगमेंट हट जाएगा। इसलिए ब्लीच जब कपड़े में डाला जाता है तो ब्लीच में क्या होता है, ये जो HOCl है वो नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है जो पिगमेंट और फैब्रिक के बीच में होता है, और कलर रिमूव हो जाता है पूरा का पूरा, समझ गया। तो इसी को हम ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं, क्लियर समझ में, ब्लीचिंग किस तरह से होती है, किस तरह से कपड़े से कलर हटता है, ब्लीच किस तरह हटाता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। जिस कोई क्वेश्चन, सर इसके अंदर ऑक्सीडेशन ये हुई है कि HCl Cl- और रिडक्शन इसमें ये हुई है कि Cl+ आया। यस मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ पर देखें Cl, एक Cl तो ये HCl बन गया और एक Cl बन गया आपका HOCl, ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीरो से Cl, जीरो से क्या हो रहा है, +-1 हो रहा है, ठीक है, तो कम हो रही है वैलेंसी, उसका मतलब कि उसके अंदर हो रही है रिडक्शन, ये वाला क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है दिस वन, और इस वाले क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर वैलेंसी जीरो से क्या हो रही है, +1 हो रही है, तो बढ़ रही है वैलेंसी, तो वैलेंसी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, समझ गए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारे इस्तेमाल है। वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इसकी कि क्लोरीन को हम लोग सैटेनिक एलिमेंट भी कहते हैं, सैटेनिक एलिमेंट, सैटेनिक एलिमेंट मतलब शैतानी आंसर, शैतानी एलिमेंट, ये शैतानी एलिमेंट है, अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी बहुत होते हैं इससे। बुरे काम से मुराद क्या कि इससे ज़्यादातर पॉइजनस वीपन्स इसी से बनाए जाते हैं। यस वेरी गुड, मस्टर्ड गैस जो हमने चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है इथीन का, उसमें इथीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं ना, H2Cl2 से कराते हैं,
तो यस, तो वो सल्फर से H2Cl2 से होता, तब जाकर मस्टर्ड गैस बनती है। तो इस तरह से मस्टर्ड गैस इससे बनाया जाता है। मस्टर्ड गैस के अलावा भी गैस होती है हमारे पास, जैसे फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस हमारे पास होती है C डबल बॉन्ड O Cl Cl दोनों तरफ होता है। ये आपके पास ये बनता है किससे, ये भी बनता है आपके क्लोरीन से। तो क्लोरीन से ज़्यादातर जो है वो आपके पॉइजनस गैसेस वगैरह बनते हैं, जो वॉरफेयर में, जंगों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बड़े मिकदार में उसको बनाया गया, क्लोरीन को पॉइजनस वेपन्स को बनाने के लिए, दूसरी जंग अजीम, इसलिए इसका नाम सैटानिक एलिमेंट पड़ गया, शैतानी आंसर पड़ गया। अच्छे सवाल आदमी है जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके। पहला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ हल हो जाए। सॉल्वेंट दो तरह का, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर हल करते हैं, जैसे पानी, पानी एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर हल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद जैसे कि आपका सोयाबीन तेल। अब सोयाबीन तेल पानी में तो हल नहीं हो सकता, तो किस चीज़ में हल होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे कि CHCl3 है, CCl4 है। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, जिसको नॉर्मली बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किडनैप करने के लिए बच्चों को। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सोयाबीन तेल को आप चाहो तो इनमें डिसॉल्व कर सकते हो। और ये कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन से बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है वो मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब करते हैं ना, कि मीथेन का जब क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो चार स्टेप पर रिएक्शन होता है, ये है ना, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो उसमें फिर एक एक करके बन रहा होता है ना, कि थर्ड स्टेप में बनता है आपका क्लोरोफॉर्म और फोर्थ स्टेप में बनता है CCl4, एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव होता रहता है। यस, तो इसी क्लोरीन से बन रहा है वो, ठीक है। बट वो उसी सूरत में हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं अगर आपने चैप्टर 7 पढ़ा हो, ठीक है। तो फिर उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टिक। प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक, कौन से प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, PVC। PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC प्लास्टिक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, ये विनाइल क्लोराइड, विनाइल रेडिकल तो ये होता है, दिस इज विनाइल, और Cl लगा दो तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। इसी का एडिशन पॉलीमर बना दूं अगर, तो दिस इज कॉल्ड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। मतलब इसको अगर, वैसे तो ये ऑर्गेनिक के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसी का अगर आप जो है वो पॉलीमर बना दो, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये एक मोनोमर समझ लो, और बहुत सारे अगर मोनोमर्स जुड़ जाएं तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे साथ में, तो PVC बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस PVC से हम क्या काम लेते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। यस, प्लास्टिक है ना, यस, PVC पाइप्स बनती हैं जो सेवरेज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग्स वगैरह से बनती हैं, है ना, जो तार के ऊपर लिखा होता है ना PVC कोटेड वायर, ये भी PVC की मदद से बनाया जाता है। तो क्लोरीन की वजह से ही, क्लोरीन से पहले हम बनाते हैं विनाइल क्लोराइड, फिर इस विनाइल क्लोराइड से बनता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या मैंने आपको ब्लीचिंग एक्शन दिखाया किस तरह से ब्लीच के तौर पर कलर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेरिलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टरलाइज मतलब जरासीम को मार देना, जरासीम को मारने के लिए। इसलिए जो लाइन का पानी होता है ना, लाइन के पानी में क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है, क्यों, ताकि उसके अंदर से जो भी जरासीम वगैरह है वो मर जाए। इसलिए मीठे पानी की गैलेक्सी स्मेल होती है। तो जब वाटर फिल्ड बोर्ड से जब ये आ रहा होता है ना, वाटर पंपिंग स्टेशन से, तो उसमें क्लोरीन को ऐड लाजमी करते हैं, ताकि अच्छा यही स्मेल आपको नॉर्मल टैंकर के पानी से नहीं आएगी, क्योंकि टैंकर के पानी वाले डायरेक्ट वो क्या करते हैं, वो किसी मतलब झीलों से इधर उधर से वो पानी लेकर आ जाते हैं, तो उसके अंदर क्लोरीन ऐड नहीं होता आर्टिफिशियली, तो आपको अलग टेस्ट लगेगा। कभी आप लाइन का पानी पियो और आप टैंकर का पानी पियो, दोनों में फ़र्क होता है। लाइन के पानी में अलग से एक टेस्ट आ रहा होता है, अलग से एक स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल किसकी होती है, क्लोरीन की स्मेल होती है, ठीक है। और क्लोरीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, स्टरलाइज करने के लिए, जरासीम को मारने के लिए, क्योंकि टॉक्सिक होता है, तो जरासीमों के लिए भी टॉक्सिक है, उनको ख़त्म कर देता है पानी से। इस तरह से आपने देखा कि स्विमिंग पूल को भी स्टरलाइज करते हैं, है ना, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, स्विमिंग पूल से गैस गुजार रहे होते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी जरासीम वगैरह है वो मर जाए और इन्फेक्शन ना हो सके इंसान को जो उसमें तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। और इस तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टरलाइज किया जाता है। अगर आपने कभी देखा है, उसके लिए एक मशीन होती है हमारे पास, उसको आटोक्लेव कहते हैं। आटोक्लेव माइक्रोवेव ओवन की तरह से एक मशीन होती है आटोक्लेव। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी, अब कोई भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर सर्जन्स क्या करते हैं, सर्जन्स का तो ये काम नहीं होता नॉर्मली, सर्जन्स से पहले पूरी टीम होती है, एक एनेस्थेटिक टीम होती है और एक OT टेक्नीशियंस होते हैं। एनेस्थेटिक टीम का काम को तो क्या होता है कि वो एनेस्थीसिया मतलब वो बेहोश करते हैं, बेहोश करने का काम एनेस्थेटिक टीम का होता है, किसी तरह से मरीज को बेहोश कर दिया जाए। उसके बाद OT टेक्नीशियंस होते हैं,
OT टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, उनका काम क्या होता है कि वो स्टरलाइज करते हैं, स्टरलाइज पहले जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्टरलाइज करेंगे, वो ओवन की तरह होता है, उसको खोलते हैं, उसके अंदर जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं ट्रे में रखकर, और उसके बाद उसको बंद करके बटन ऑन कर देते हैं, कूलिंग गैस उसके अंदर से निकलती है, वो कूलिंग गैस क्या करती है तमाम तरह के जरासीम को मार देती है, फिर उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब सर्जरी कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल डायरेक्ट बॉडी से कॉन्टैक्ट हो रहा होता है उन चीज़ों का, और डायरेक्ट अगर बॉडी में ही डायरेक्ट अगर आपके कोई जरासीम अगर चला जाए तो वो क्या कॉज करेगा, सेप्टिक, और सेप्टिक आपको पता है वो पूरे इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाएगा, सेप्सिक इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, है ना भाई। चूंकि ब्लड के ऊपर तो कोई मसला नहीं है, जरासीम अंदर नहीं जाता है एपिडर्मिस लेयर से, लेकिन डायरेक्ट अगर अंदर चला जाए तो डेंजरस होता है, इसके लिए वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लोरीन से पहले स्टरलाइज किया जाता है। तो ओटी टेक्नीशियन का काम इसके अलावा एक और होता है कि वो चीरा भी लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टमक के अंदर कोई सर्जरी करनी है तो अब जो है ना वो सर्जन का काम नहीं है उसको, मतलब कि जो है वो पेट को ओपन करना, उसको चीरा लगाना, उसको कट करना, उसको कट करके ओपन अप कर देना, ये काम ओटी टेक्नीशियन का है। अब उस स्टमक के अंदर अगर जो कोई अगर फॉल्ट है जो सही करना है वो सर्जन का काम है, तो ये तो एनेस्थेटिक टीम पहले वो एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देगी, ओटी टेक्नीशियंस चीरा भी लगा देंगे और ओपन अप भी कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सर्जन आएगा और वो बस 15-20 मिनट का काम करके लाखों रुपए लेके साइड, ठीक है। तो कि वो सब काम नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि चीरा लगाना इस पर आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती, इससे मैटर करती है आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टाइज, जो पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं, पोस्टमार्टम होता है ना जो किसी भी बॉडी का, वो लोग डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं, वो मैट्रिकुलेटेड लोग होते हैं, मैट्रिक पास लोग होते हैं, वो जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है बॉडी किस तरह काटनी है, बॉडी को कट करना जैसे है ना, तो वो एक जैसे कसाई है, बॉडी कट करना एक टेक्निक है, उसके अंदर कोई तालीम नहीं है उसके अंदर। तो ओटी टेक्नीशियन नॉर्मल मैट्रिक पास होते हैं, बस उसके बाद उन्होंने कोर्स किया होता है, जस्ट देखा होगा आपने वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कतर हॉस्पिटल, अब्बासी, जीना सिविल, सब करा रहे होते हैं टेक्नीशियन कोर्स। तो समझ गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों स्टरलाइज किया जाता है, और ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए भी क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द लेयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स। अगर आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो चले प्रैक्टिकल्स तो शायद कॉलेजेस ओपन ही नहीं हुए तो प्रैक्टिकल्स हुए नहीं इतने, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपने प्रैक्टिकल किया एलिमेंट डिटेक्शन का, एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल किया फर्स्ट ईयर में, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये टेस्ट करना होता है, तो तीसरा जो टेस्ट होता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का टेस्ट करना होता है एलिमेंट डिटेक्शन के अंदर। उसमें सबसे पहला तो आप उसके प्रिसिपिटेट टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालने पर जो है वो क्लोरीन की वाइट पीपीटी आ जाती है, और ब्रोमीन की डर्टी वाइट पीपीटी आ जाती है, और येलो पीपीटी आ जाती है आयोडीन की। तो वाइट पीपीटी तो बिल्कुल पक्का समझ में आ रहा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डर्टी वाइट और येलो पीपीटी में क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है ब्रोमीन और आयोडीन में, तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसकी डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए। तो वो लेयर टेस्ट कहलाता है कि आपने क्या लिया कि मिसाल के तौर पर ब्रोमीन है कि आयोडीन आपको पता है टेस्ट ट्यूब में, तो आप उसके अंदर क्लोरीन वाटर डालते हो, क्लोरीन वाटर को डालते हो, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC जो मैंने बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों डालते हो। डालने के बाद उसको शेक करते हैं, जब शेक करते हैं, शेक करते हैं, शेक करने के बाद क्या होता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो उसमें एक लेयर बन जाती है। अगर वो लेयर वॉयलेट कलर की लेयर बनी है तो उसका मतलब आयोडीन है, अगर वो ब्राउन कलर की लेयर बनी है तो मतलब ब्रोमीन है। याद है किया ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह आप लोगों ने, तुमने किया तुम्हें याद आ रहा है। तो लेयर टेस्ट करने के लिए डिटेक्शन Br- और I- के डिटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको, क्लोरीन को, क्लोरीन वाटर इस्तेमाल किया जाता है, सही है। और लास्ट यूज क्या है, इट इज यूज टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड या इंसेक्सीसाइड, मतलब कि जरासीम कश या सॉरी कीड़ा मार दवाई को बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोर्टीन हो गया ना, मोर्टीन का स्प्रे हो गया, फिनिश हो गया, तो वो किंग हो गया, किंग टॉक्स हो गया, तो ये सारे जो है वो दवाइयों मतलब मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए जो भी कंपाउंड यूज़ करते हैं उसके अंदर वो क्लोरीन से ही बना होता है। अब दो बहुत फेमस, उसमें से एक ब्रांड हो गया और एक अब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है वो ये है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, बेंजीन की जब हम वो कराते हैं ना क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाकर बनता है। एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो शायद तुम्हें याद आ जाएगा, ऐसे ClCl ClCl ClCl, दिस इज यस हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये कहलाता है। ये किस इसका फॉर्मूला, नॉर्मली जो मोर्टीन स्प्रे होता है ना, किंग टॉक्स का स्प्रे होता है मच्छर मारने के लिए, ये उसका फॉर्मूला है। तो उसमें कभी आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स उसके ना पीछे जो लिखा होता है ना कि उसके अज्जा, उसमें लिखा होगा 60% हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको पेस्टिसाइड की कीड़ा मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा DDT तो बैंड हो चुका है, बहुत टॉक्सिक होता है ये DDT, नाम सुना होगा तुमने, 9th क्लास में एक चैप्टर था हेल्थ इज वेल्थ, सम पीपल यूज केरोसिनोल एंड DDT टू किल मस्किटोज बिफोर दे आर लार्ज इनफ टू फ्लाई एंड बाइट हेल्दी पीपल, तो वो उसमें DDT उसमें लिखा होता था। तो
तो डीडीटी शॉर्टकट है, डीडीटी के फुल फॉर्म है डी से डाइक्लोरो, डी से डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक है, इट शुड बी इथेन नॉट मीथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, सही है। तो यह है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, शॉर्ट में उसको बोलते हैं डीडीटी। उसके नीचे स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आएगा नहीं लेकिन ऐसे जस्ट याद रखें, देखो डाइक्लोरो और डाइफिनाइल, फिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और दो कार्बन क्या हो गया इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये स्ट्रक्चर है डीडीटी का। वो डीडीटी जिसको मच्छर मारने के लिए पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था, अब ये बैंड केमिकल है, टॉक्सिक नेचर ज़्यादा है इसका। समझ में आ गई बस सारी जितने भी चीज़ें बताइए।